नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह लाए हैं टॉप 30 एमसीक्यू टेस्ट, जो आगामी सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1984 में। प्रश्न नंबर दो है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिल्खा सिंह। 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आधा स्टैगर। दो हजार दस के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला ऑप्शन है, ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित हैं। तो फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉकी से। हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है। तो फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40×20 मीटर, यानी 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉलीबॉल से। अजलन शाह का प्रतियोगिता संबंधित है। थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉकी से। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट से। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। तो फोर ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित हैं। यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लंबी कूद से। अगला ऑप्शन है, बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी क्या है। तो चारों ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 800 ग्राम। महिलाओं के लिए हैंड बॉल का अधिकतम वजन क्या है? 4 ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 400 ग्राम। पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंख। शरीर के किस अंग से पारिया संबंधित है? वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दांत से। लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है? 4 ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5000 से 5500 कैलोरी। खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? 4 ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 मिनट। प्राणवायु कौन है? यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला ऑप्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिए। तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क की सतह में। फेफड़े हिस्सा हैं, किसका हिस्सा है आप लोगों को बताना है। थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्वसन तंत्र के। वेंट्रिकल एक हिस्सा है, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिए। थ्री ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, हृदय का। सूर्य प्रकाश स्रोत है, यहां पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी का। शिविर का अनुशासन होता है, तो यहां पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कठोर। अगला ऑप्शन है, जांग की हड्डी का नाम है। 4 ऑप्शन है, आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। तो जांग की हड्डी का नाम फीमर होता है, यानी 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वसा का अच्छा स्रोत है। 4 ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मक्खन। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।